अभी तो कहता नहीं स्टार्ट हो जाएगी और फिर आराम से सो जाएंगे। यार ये सारी दुल्हन की दोस्त हैं, अब एक्टिंग कर रही है, इन्होंने एक आंसू नहीं पोंछा। जय माँ भगवती। दगड़ियों कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बांकुड़ा गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से और अभी हमारी तैयारी हो रही है फेरों में जाने की। तो मैं अभी एक कमरे में आई हूँ व्लॉग को शुरू करने के लिए, और बाकी जो इससे पहले की जो भी रस्म होती है उसका पूरा व्लॉग आपको अगले पहले वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब भी हमारी तैयारी हो रही है फेरों में जाने की, तब आगे का व्लॉग फेरों में बनेगा। बाकी सब लोग चले गए, मैं पीछे से व्लॉग शुरू कर रही हूँ, तब मैं भी चलती हूँ फेरों में और बाकी वीडियो फेरों में बनाते हैं। अरे गिरी खुश है जेठी, चलो 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 डाल डाल यो बार और डाल
चारों नाश्ता कर रहे हैं, विनीता, रोशनी और भारती और मैं। तो नाश्ते में बने हैं पूरे और छोले। तो भारती भूख लग गई है, रोशनी हाँ हाँ दबा के खाना ठीक है, और फिर सो जाना। और विनीता तो अभी पहले नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद विदाई और फिर फटाफट। तो अभी हम सब पहले नाश्ता करेंगे और अभी कैदान चल रहा है, तो कैदान के बाद विदाई भी हो जाएगी और फिर आराम से सो जाएंगे। और मैं तो सोच रही हूँ क्या पता आज मुझे अपने गांव के लिए कुछ मिल जाए। अभी टाइम 10 बज रहे और 10 बजे दुल्हन की विदाई हो गई, रोड से गाड़ियां भी चली गई और ये सारी दुल्हन की दोस्त हैं अब एक्टिंग कर रही है। इन्होंने एक आंसू नहीं फेंका, एक भी ऐसी नहीं थी कि जो इमोशनल हुई होगी दुल्हन को देख के। और अब देखना सब मुंह पे हाथ लगा रहे जानबूझ के कैमरे के सामने कर रहे हैं, अभी तक एक के भी आंख में आंसू नहीं थे, सब हंस रही थी। ऐसा नहीं कि चलो रोना नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, हंसती तो नहीं, सबके सब मुझे दांत दिखा रहे थे और तब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था इनको देख के। तो अभी टाइम दिन के 12 बज रहे और बड़े मामा जी लोग आज जखोला जा रहे हैं। हाँ, तो कहाँ जा रहे हो? जखोला? हाँ, जा रहे हैं, मामा की बेटी की शादी है। अच्छा, चंदा दीदी की। तो बड़े मामा जी लोग सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। और बड़े मामा जी से मैंने आपको नहीं मिलाया था, तो ये मेरे बड़े वाले मामा जी, वीडियो में तो मैंने दिखाया लेकिन वैसे मिलाया नहीं। तो ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी जो आज जा रहे हैं। तो आज मामा जी जखोला जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जखोला जा रहा हूँ। अच्छा, तो बड़े मामा जी लोग, बड़े मामा जी, मामी और ममता और जतिन, ये सभी लोग आज जखोला जा रहे हैं। बाय गाइस, बाय।
मामी बाय बोल दिया। हाँ बाय। अब हम आपको ना साक्षी दीदी की शादी में मिलेंगे, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना दीदी के चैनल को, ठीक है? और जतिन कहाँ गया? जतिन को तो मैंने दिखाया नहीं। हेलो ने बाय गाइस बोला। सही बाय। अब साक्षी की शादी में अब सीधा बस बोल दिया। ठीक है साक्षी, मैं ध्यान रखा, ठीक है? तो अभी दिन के 1 बज रहे और अभी मैं गाय के साथ आ रखी हूँ। तो मेरे साथ आ रखे हैं रेनू और सुमित्रा। तो आज मैं अपनी नानी उनके गाय के साथ आई हूँ। आज मैंने अपनी मामी को बोला कि मैं जाऊँगी गाय के साथ, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा होता है नानी के गांव गाय चराना। अपने गांव में तो मैं जाती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मतलब जब हमारे यहाँ तो सुबह ले जाते हैं, फिर दिन में घर आते हैं, फिर शाम को ले जाते हैं, फिर रात को घर आते हैं। तो यहाँ हमेशा ऐसा होता है कि 12-1 बजे ले जाते हैं और शाम को 6 बजे शाम को 6 बजे घर आते हैं। तो आज मैं पहली बार ऐसे गाय चराने आई हूँ, मतलब इस टाइम पे। तो अब देखती हूँ कैसे लगता है। और नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात को सोए नहीं थे। पर अब क्या करें, अब आए हैं गाय के साथ तो देखते हैं। बाकी मामी तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ कैसा होता है गाय चराने। और अभी रेनू बोल रही है, बोलो उधर काफल पके हैं, तो काफल खाने जाएंगे। बोले ऐसे मत दिखा। बोल तो ये रहा काफल का पेड़। वैसे काफल के पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ पेड़ों पे काफल पक गए हैं। तो ये रहे कुछ कुछ काफल, बिल्कुल लाल मस्त दिख रहे हैं और कुछ हरे भरे हो रखे हैं। तो अभी तो काफल पकने का टाइम हो रहा है, तो अभी थोड़े बहुत पके और थोड़े बहुत पक रहे हैं। तो चलो यहाँ आके मुझे काफल खाने को मिल गए, काफल टेस्ट करके जाऊंगी मैं यहाँ से। बाकी ज़्यादा नहीं हो रखे, इतने नहीं हो रखे कि मैं अपने घर ले जा सकूँ। तो घर ले जाने के लिए क्या पता दूसरे दिन आऊँ जब काफल ज़्यादा पक जाएंगे, नहीं तो देखते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत कम होते हैं काफल, मुश्किल से 1-2 पेड़ है हमारे गाँव के आसपास, और उन पर भी किसी साल होते हैं और किसी साल नहीं होते। बाकी गाँव में बेचने वाले आते हैं तो तब मतलब हम लोग काफल खा ही लेते हैं। बाकी जब मैं पहले कॉलेज जाती थी, तो कॉलेज के जो रास्ता था उसके आसपास तो बहुत पेड़ थे, तो कॉलेज जाते टाइम खा ही लेती थी काफल। बाकी इस साल देख लेंगे, टेस्ट करने को तो मिल ही जाएंगे। और थोड़े बहुत मैंने यहाँ खा लिए, तो यहाँ के अच्छा हो गया, काफल तो खा लिए मैंने और बहुत मीठे होते। और बाकी यहाँ गाय चराना ठीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ ही पेड़ है, तो छाए के नीचे ही गाय चराने में मज़ा आ रहा है। और बाकी दोस्त तो मेरे साथ रेनू और सुमित्रा है। तो जितनी भी दोनों शादियों की वीडियो थी, आप सभी ने उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग क्या पता वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे, आप सब्सक्राइब करिए, आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।